घर या ऑफिस में पौधे लगाने से उसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि पौधों में अपनी अलग ही सुंदरता होती है। साथ ही घर और ऑफिस में पौधे लगाना भी शुभ माना जाता है। हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक, जो आपको तरक्की की ओर ले जाता है और आपके जीवन को सुखी रखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिन्हें लगाना अशुभ माना जाता है, चाहे वो घर पर हो या फिर ऑफिस में। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिन्हें घर और ऑफिस में कभी नहीं लगाना चाहिए। जानते हैं कौन से हैं वो पौधे जो आपके जीवन में ला सकते हैं परेशानियां। याद रखें, घर या आपके ऑफिस में कभी भी कांटेदार पौधे ना रखें, और उन पौधों को ना रखें जिनके अंदर से सफ़ेद द्रव्य निकलता हो। वास्तु में बताया गया है कि इन पौधों को लगाने से नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। लेकिन कांटेदार पौधों में आप गुलाब का पौधा लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें खुशबूदार फूल खिलते हैं। आजकल घर में बोनसाई पौधे लगाने का एक फैशन बन गया है, लेकिन बोनसाई का पौधा घर में नहीं लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार बोनसाई पौधा घर में लगाने वाले सदस्यों का आर्थिक विकास रोकते हैं। बेडरूम में किसी भी तरह के पौधे ना लगाएं, इससे दंपत्ति के बीच मानसिक तनाव बना रहता है। डाइनिंग और ड्राइंग रूम में पौधे रखे जा सकते हैं। खुशबूदार फूल वाले पौधे जैसे चंपा, नाग चंपा, चमेली, बेला, रात रानी आदि फूल लगाए जा सकते हैं, लेकिन इन्हें घर के बाहर ही लगाएं और अपने ऑफिस में ना रखें। इन पौधों को रखने से कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और हमेशा ध्यान रहे, घर में नकली पौधे कभी नहीं लगाने चाहिए, ये अशुभ माने जाते हैं। ये धूप और गंध को भी ज़्यादा आकर्षित करते हैं। अगर घर की किसी दीवार पर पीपल उगाए तो उसे पूजा करके हटाते हुए गमले में लगा देना चाहिए। पीपल को बृहस्पति ग्रह का कारक माना जाता है, लेकिन पीपल का पेड़ हमेशा घर से बाहर लगाना चाहिए, ना कि वो घर में हो। तो आप भी अपने घर में पौधे लगाते समय इन वास्तु टिप्स का ध्यान ज़रूर रखें।